और बहुत ही अच्छा। एक चीज़ और आपको बताऊँ, समय की अपनी सीमाएँ हैं लेकिन आप लोग मुझे सुनने के लिए रुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरे बाद कुछ शायरात बचे हुए हैं उनको ज़रूर सुनिएगा, नहीं तो मुझे बहुत ही तकलीफ होगा, मैं तो वैसे भी मेहमान हूँ, है ना सर जी। एक एक बहुत विशेष कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, वो इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि आज हम अपनी आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं, यह आज़ादी का जश्न इसलिए भी है जैसा कि शंकर कैमूरी जी ने बताया था, क्योंकि हमारे बेटों ने शहादतें दी हैं, हमारे बेटों ने आज भी सरहद पर खड़े होकर के, चाहे चीन की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, या कई कई मामले में बांग्लादेश की सीमा हो, और अभी तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में भी शांति सेना के रूप में हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ पर ITBP के जवान वहाँ पर गए हुए थे, जिसे सरकार ने अभी वापस बुलाया है, लेकिन वो फिर से जाने की बात कर रहे हैं। उन सभी को समर्पित एक गीत जरूर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग बहुत देर हंस लिए, बहुत देर कहाँ चले भाई साहब, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, आज वो आने के लिए गए हैं, चलिए ठीक, ये भी साथ में जाएंगे, अच्छा चलिए। ये जब से ना एक तो धारा 370 खत्म हुई थी, उसके बाद खत्म हुई थी 377, 377 आपको पता है ना, मैं देखो मुझे चीज़ें इवेंट से याद आती है, 377 में क्या था, ये चार लाइनें पढ़ूंगा, चौथी लाइन पे आपको आनंद आ जाएगा। ये धारा 377 क्या है, ये चौथी लाइन पे आपको बहुत ही मजा आ जाएगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। धारा 377, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, यही है हाँ 377, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, भगवान और ये सुनिएगा सब, आपको बहुत बहुत अद्भुत याद आ, मुझे बस याद आ गया अचानक से, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन फिल्में बना रहे बिना आवाज कुंदरा, ऐसी फिल्में बना रहे इसमें आवाज की जरूरत ही ना है तो हमारा देश तो साफ अद्भुत ही है, कहीं पर भी चले जाओ हर जगह पे हास्य है, सम्मान भी जाने लग गया है, कोई बात नहीं, ये सब इंडिकेशन होते हैं कि कार्यक्रम को खत्म किया जाए। लेकिन साहब 10 बजे तक का समय शायद हॉल का है, तो मैं एक छोटा सा गीत आप लोग को जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, मैं पढ़ूँ तो आपके पास फुर्सत होगी ना, मेरे पास बहुत अच्छे आपकी मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए तो रमजान साहब खुद ही बैठे हुए हैं, चलिए साहब अच्छी बात है कि रमजान साहब शंभू से मोहब्बत कर ले, तो इससे बड़ी बात हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती है, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। मैं चार लाइनें आपको और सुनाता हूँ, रमजान साहब बिल्कुल आपको सौंपता हूँ, और इसलिए कि जीवन में मैंने आपको बताया है कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुनिया, ये मैंने आपको सुनाया, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है, मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है, और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, क्या बात है, आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से निपट कर बार बार हंसना, और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1,00,000 दुख दबा एक बार हंसना,
एक लाख दुख दवा एक बार हंसना। चार लाइनें सुनिए कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। और ये गीत विशेष सुन लीजिएगा, आपको याद होगा पुलवामा पर जब अटैक हुआ था सुबह के 3:30-4 बजे थे। आज 15 अगस्त का दिन है, इसलिए उन बेटों को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के बेटों में वो बात है कि हमारी आज़ादी के हम अगर 75 साल आज मना रहे हैं, तो इस खुशी के माहौल में अगर हम मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी की भी बात करिए तो उसमें भगत सिंह की फांसी भी है और अब्दुल हमीद की वो बहुत बड़ी कलाकारी भी है जिस पर उसने पेटेंट टैंक को तोड़ दिया था अपने जितने बमों से, तो ये भी बड़ी बात है। मैं एक गीत विशेष आप लोगों के बीच में रखता हूँ, थोड़ा सा आवागमन का माहौल है लेकिन इसको सुनिएगा। वो बेटे जब हमारे पुलवामा में शहीद हुए, उनकी अर्थियाँ तिरंगों में लिपटी हुई, ये सबसे बड़ा आज की तारीख में मंच पर कई बार कहा भी गया, दमदार ने भी कहा कि सबसे बड़ी इनायत अगर कुछ है तो आपके बदन को तिरंगा नसीब हो, ये राजकीय सम्मान जो है। क्या जा रही है मैडम आप? सही बात, रमजान जी मेरे लिए बैठे थे, मैं आपके लिए बैठा। खैर आप जा सकते हो। अच्छा रमजान जी आप भी उधर से जा रहे थे? नहीं, आप दोनों जा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं किसी की स्वतंत्रता खराब नहीं करूंगा भैया। हाँ जी, दोनों भाई बहन है। भाई साहब बीच में तो साले साहब को बोलना ही नहीं चाहिए। बहन है वो, हाँ तो हमने तो यही कहा है, वो भी आपको बड़ा भाई मानते ना, इसलिए हमने कहा ये। खैर सुनिएगा, चार लाइन सुनिएगा। जज देखिए इतने मतलब बढ़िया जज हो ना साहब, तो अच्छा काम करते हैं। कौन जज साहब या हम? अच्छा नहीं, जज साहब इतने इतने खुश मिजाज जज हमने साहब पहले, दो चार फांसी तो आप ऐसी दे देते हो। नहीं मैं तो सच बता रहा हूँ, एक बार तो जज ने मुझे फांसी दे दिया, बोला कल सुबह तेरी 6 बजे फांसी है, मैंने है, मैं तो उठता ही 9 बजे 6 बजे फांसी। तो साहब जज साहब भी कमाल के ही होते हैं और अद्भुत है, जज साहब का कमाल है। मैं चार लाइनें सुनाता हूँ, आप इसका आनंद लीजिएगा और बहुत ही बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मैं ये गीत एक आपको सुनाता हूँ, फिर बीच बीच में मुझे ऐसे ही कुछ कुछ बनते याद आती रहती है, वो मैं आपको सुना दूंगा। हमारे बेटों की जो शव है वो तिरंगे में लपटे हुए जा रहे हैं और आप हम सभी लोग उनको विदाई दे रहे हैं। विदाई में हम क्या कह रहे हैं, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के। आज जब यह कौमी एकता का मंच है तो इस पर ये गीत होना बहुत जरूरी है। शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम। आप लोग तालियों का ताल भी दे सकते हैं, एक बार जोरदार तालियों में जाने, जोरदार तालियों। शान से गुजर रहे तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के। और पुलवामा में हुआ ये था कि पीछे से हमला हुआ था, सुबह के 3:30-4 बज रहे थे, उस बीच में हमला हुआ था कि सामने से सामना अगर जो होता आपका, सामने से सामना अगर जो होता आपका, शत्रु देख लेता शौर सिंह के दहाड़ का, कायरों की भांति वो गया है बम्ब फोड़ के, कायरों की भांति वो गया है बम्ब फोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के। क्या बात। और अगली बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने वीरस के बहुत सारे कवि सुने होंगे, ये बेटे जो हमारे शहीद होते हैं, जो शहादत देते हैं वतन के नाम पर, शहादत देते हैं, जब वो ऊपर पहुंचते हैं जन्नत में स्वर्ग में जब पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा क्या होता है, इसकी यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर बैठे हैं, दादा सांड बनारसी जी बैठे हुए हैं, वो 60 साल की उनकी यात्रा है, 60 साल तक हम लोग जियेंगे भी कि नहीं जियेंगे हमें खुद भी नहीं पता, 60 साल तो उनको मंचों पर हो गए हैं, तो उनके मैं विशेष उपस्थिति को भी नमन करता हूँ। जब हमारे बेटे शहादत दे करके ऊपर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा क्या है, बस ये आप लोग सुनिए, वहाँ तक
शायद ही कोई कभी पहुंचा हो, मैं भी नहीं पहुंचा, ईश्वर ने लिखवा दिया। ईशान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, उस जहां में तुमको मिलेंगे भगत सुभाष भी, उस जहां में तुमको मिलेंगे भगत सुभाष भी, खुद ही राम और आजाद होंगे आस पास ही, खुद ही राम और आजाद होंगे आस पास ही, कहना उनसे आए हो तुम, कहना उनसे आए हो तुम, हिंद पूरा जोड़ के, कहना उनसे आए हो तुम, हिंद पूरा जोड़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हूँ, इस बीच में हम लोग शायरों को सुनेंगे और फिर जैसा हमारे संचालक महोदय का आदेश होगा इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। एक और पढ़ेंगे आप।